हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एवं फातिमा। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगी पेन स्केल। अब पेन स्केल क्या होती है और इसका क्या रोल है, हमें इसको कैसे रीड करना चाहिए। आपने, हम सब लोगों ने इमोजीज तो देखे हैं, बहुत यूज टू हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें सैड इमोजीज होता है, लाफिंग इमोजीज होता है, बहुत सारे इमोजीज होते हैं। लेकिन एक्चुअली में पेन को हम कैसे मेज़र करें, क्योंकि सबको दर्द होता है, दर्द का एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। तो कोई थोड़ा सा भी बोलेंगे दर्द हो रहा है, और वो किस लेवल पे है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पेन स्केल के बारे में आज आपको बताएंगे। ये जो पेन स्केल है वो स्टैंडर्डाइज पेन स्केल है, पेन मेजरमेंट स्केल, और इसमें जो है 0 to 10 तक की जो है मार्किंग की है। इसका कलर कोडिंग भी एकदम स्टैंडर्डाइज है, विद नो पेन टू पेन इज गोइंग टू द ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो अभी इसमें 3 इसको क्लासिफिकेशन किया है, 1 to 3 जो है वो माइल्ड है, 4 to 7 मॉडरेट है, और 8 to 10 जो है वो सीवियर है। एक्सप्रेशन इसमें इनके देख सकते हैं, आईज एंड लिप्स, ठीक है। हंस रहे हैं तो मतलब अभी पेन नहीं है, कम हंस रहे हैं, बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं, मुंह भी बना हुआ, आँख भी बनी हुई है, आईब्रोज उठी हुई है, मुंह खुला हुआ है, मुंह एकदम डाउन है, ठीक है। आईज एकदम फैली है, मुंह खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा मुंह बना रहे हैं और एकदम डाउन है, उसमें बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं। तो ये जो इमोजीज है एग्जैक्टली जो है वो पेन का मेजरमेंट विद नंबर विद एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी एवरीथिंग जो है वो सेट किया गया है। अभी पेन स्केल मीटर से मैंने वही बताया है कि इसको क्या किया गया है, कलर के जो ग्रीन से स्टार्ट होके कहाँ तक ख़त्म होता है, रेड पे ख़त्म होता है, ठीक है। ग्रीन कलर जो है दैट इज नो पेन, ग्रीन लाइट ग्रीन टू येलो माइल्ड, डिसकम्फर्टिंग इंटेंस, तेजी से उठ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, और रेड पे पेन इतना है कि पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसका जो कलर है वो फिक्स है, फ्रॉम ग्रीन टू येलो ऑरेंज एंड रेड। अब इसका जो है सिंपल मेंटल हेल्थ पेन स्केल, क्योंकि पेन जो है वो हम अपने माइंड से ही सेट कर सकते हैं, तो हम जो है कैसे उसको हमने क्लासिफाई किया, इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो है एक्सप्लेनेशन ये है, 1 जो माइल्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, यू आर प्रोबेबली कडिंग अ फ्लफी किटन राइट नाउ, इन्जॉय। सेकेंड नंबर इज, यू आर बिट फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड, बट यू आर ईजली डिस्ट्रैक्ट एंड चीयर्ड अप विद अ लिटिल एफर्ट, ठीक है। पहले में ठीक ठाक है, इंजॉय कर सकते हैं, पेन है लेकिन इसको बोल सकते हैं मीठा मीठा दर्द। दूसरे में क्या है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्शन करके उनका पेन से माइंड हटा लेते हैं। देन फ्रॉम ग्रीन टू येलो साइड, थर्ड नंबर, थिंग्स आर बॉदरिंग यू बट यू आर कोपिंग, यू माइट बी ओवर टायर्ड और हंगरी, द इमोशनल इक्विवेलेंट ऑफ अ हेडेक। आप चाहे भूखे हो या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो या फिर बहुत थके हो, लेकिन थोड़ा सा जो है आप पेन के लिए बॉदर दो, आपको हेडेक भी हो रहा है। द फोर्थ वन, टुडे इज़ अ बैड डे और फ्यू बैड डे, अंदर से एक फीलिंग आ रही है बुरा लगने की, यू स्टिल हैव द स्किल टू गेट थ्रू इट बट बी जेंटल विद योर सेल्फ, यूज सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज, ठीक है। आपको बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बुरा दिन है और आप जो है इसको सहम सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन अपनी जो है थोड़ी सी केयर रखनी है। और जो सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज है, जैसे कि दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, सर को थोड़ा सा हिलाते हैं, पैर स्ट्रेचिंग करते हैं, इससे हमारा दर्द थोड़ा सा जो है सही, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। योर फिफ्थ नंबर, योर मेंटल हेल्थ इज स्टार्टिंग टू इम्पैक्ट ऑन योर एवरीडे लाइफ,
इजी थिंग आर बिकमिंग डिफिकल्ट, यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर। अभी मॉडरेट में क्या हो गया है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ भी है, जो आपकी डेली जब दर्द आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी एक्टिविटी को, तो आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो फिफ्थ नंबर पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। फर्स्ट में एवरी थिंग इज ओके, सेकेंड में फ्रस्ट्रेटेड, थर्ड में कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ में जो है वो सेल्फ केयर कर सकते हैं, फिफ्थ में आपको डॉक्टर के पास जाना है। नाउ द सिक्स नंबर इज एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी बैड, यू कैन डू थिंग द वे यू यूजली डू देन ड्यू टू योर मेंटल हेल्थ। आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको इतना पेन हो रहा है, बट ड्यू टू मेंटल हेल्थ इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव थॉट मे बी हार्ड टू कोप विथ, और आपको बार बार जो है उसे कोप अप करने में दिक्कत भी हो रही है। सेवन नंबर जो सीवीएलटी में आता है, यू आर अवॉइड थिंग दैट मेक यू मोर डिस्ट्रेस बट दैट विल मेक इट वर्स, यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प, दिस इज सीरियस। एट नंबर पर यू कांट हाइड योर स्ट्रगल एनी मोर, अब आप दर्द को छुपा नहीं पा रहे, आपके चेहरे में दिख रहा है, आपके फेस में दिख रहा है। यू मे हैव इशू स्लीपिंग, ईटिंग, हैविंग फन, सोशलाइजिंग एंड वर्क, स्टडी, योर मेंटल हेल्थ इज अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब क्योंकि आप डिस्टर्ब है तो आपको सिम्टम भी आएंगे। नाउ द नाइन्थ नंबर इन सीवियर, यू आर एट अ क्रिटिकल पॉइंट, यू आर नॉट फंक्शनिंग एनी मोर, यू नीड अर्जेंट हेल्प, यू मे बी अ रिस्क ऑफ योर सेल्फ और अदर लेफ्ट अनट्रीटेड। एंड द टेंथ नंबर, यू आर जस्ट क्राइंग द वर्स्ट मेंटल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस पॉसिबल, यू कैन नो लॉन्गर केयर फॉर योर सेल्फ, यू कांट इमेजिन थिंग्स गेटिंग एनी वर्स, कॉन्टैक्ट अ क्राइसिस लाइन इमिडिएटली। अब आप डेंजर लाइन पे आ गए हैं, अब आपका जो पेन है बहुत ही सीवियर हो गया। तो इस तरह हमें क्या करना है, पेन हो रहा है उसकी सीवियरिटी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है पेन में, क्योंकि माना कि आपने बोला कि नहीं पेन, अब हॉस्पिटल में तो पेन तो होगा ही, लेकिन हमें पेन की सीवियरिटी को हमेशा एनालाइज करना है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर देखना है। और विद दिस थिंग्स, जिसमें हमें मेन पॉइंट फर्स्ट में एवरीथिंग इज ओके, दे कैन बियर दैट पेन, देन सेकेंड में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन चेयर अप कर सकते हैं, थर्ड में कोपिंग स्ट्रेटजीज, फोर में करना है, फोर में क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक कर सकते हैं, फिफ्थ में यू नीड अ डॉक्टर, सिक्स में जो है आप यूजली थिंग्स चीज़ें कर नहीं पा रहे जो आप करते हैं, सेवेंथ में क्या है, आप जो है वो अवॉइड कर रहे हैं जो आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, एट्थ में क्या हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, आप डिफ़िकल्ट हो रहा है, और नाइन्थ में क्या है, आप क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं और आप अपने आप को अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते हैं, टेंथ में दे दीजिए मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएटली कॉल फॉर द हेल्प। तो ये जो 10 मार्क्स 10 मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया, एक्चुअली एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, पेन को आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से उसमें इंटरवेंशन करना है, सो दैट कि हम ये ना बोलें कि हमने पेन का सही टाइम पे सही सीवियरिटी जान के सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। है इज अ कलर कोड सिस्टम टू क्विकली लेट समवन नो हाउ यू आर डूइंग, इफ यू लिव विद मेंटल हेल्थ इशू फील फ्री टू अडॉप्ट दिस with your support system and analyze it can help when you can't describe how you are doing or you just want to protect your privacy. It could also help reduce support fatigue by helping at least recognize your need better. इसमें color coding इसलिए कि क्योंकि pain actually दिखता नहीं है तो वो हमारे mind से पता चलता है। ठीक है, पेन अगर दिखता होता जैसे कि फ्रैक्चर हो रहा है, बुंड हो रहा है, तो बोलते कि हाँ इसको बहुत बड़ा फ्रैक्चर है, बहुत बड़ा बुंड है, बहुत, लेकिन पेन दिखता ही नहीं है तो वो सिर्फ हम अपने एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं। तो ग्रीन इज द इज एवरी थिंग इज ओके, दैट इज ग्रीन कलर, दैट इज द सिग्नल ऑफ एवरी थिंग इज डन। आई हैव हैड अ रफ डे, that is sky blue, that is significant life event instead it may take longer time to cope up, then purple color, I have been down for a while and don't exactly know why,
येलो आई एम नॉट डूइंग वेल एंड आई हैड लाइक समवन टू कीप एन आई ऑन मी चेक इन रेगुलरली. मतलब जब आप टेंशन में होते हो तो दूसरों को बता रहे हो अपने प्रॉब्लम्स, चाह रहे हो कि कोई मुझे देखे, मुझे कहे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है. तो हमारा वो पेन का एक लेवल है जो हमें, तो येलो लाइन है, तो हमें पता चाहिए कि हमें जो है कोई देखता रहे. ऑरेंज आई एम इन क्राइसिस प्लीज़ कॉल और कम ओवर राइट अवे. अगर ऑरेंज में तो आप क्राइसिस में हैं एंड कॉल फॉर पर्टिकुलर नंबर एंड आई मे हर्ट माई सेल्फ और अदर डू नॉट फील. पेन है, पेन में इतना पेन है कि कुछ भी कर सकते हैं. तो प्लीज़ जो है वो क्या होना चाहिए, रेड डेंजर साइन को हमें पहचानना चाहिए. ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि पेन स्केल भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया विद देयर कलर कोड, विद देयर एक्सप्रेशन, विद देयर ग्रीटिंग. ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं पेन है तो पेन है तो दर्द होगा ही नहीं, दर्द का फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना चाहिए. और थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए.